एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कुछ कड़वा बोलने से पहले याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।